आज मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी और आज हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार है तो 15 सालों में जो विकास नहीं हुआ है वो उस रोड पर आके दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कितना भ्रष्टाचार इन 15 सालों में किया होगा। साथियों, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि आज हमारे प्रदेश में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व पूरी ताकत के साथ आज हम लोग काम कर रहे हैं। रही बात विकास की, तो विकास के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये रोड आपका जो केलारस से और ये हमारा धोबनी तक जो जाता है, इस रोड को बनवाने की भी जिम्मेदारी हमारी है, ये भी मैं अपनी ओर से आपको आश्वस्त कर रहा हूं। साथियों, एक रोड की और मुझे बताया कि यहां से घाटी गांव के लिए जाता है मद्दा को बाबा, जो यहां से 9 किलोमीटर है, तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि उस रोड को भी बनवाने की जिम्मेदारी हमारी और हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार की है। साथियों, पिछले 1-1.5 महीने से मैं इस विधानसभा के कई गांवों में दौरा कर रहा हूं, कई गांवों में जा रहा हूं, लोगों की समस्या सुन रहा हूं और लगता है कि ये जिला हमारा शायद हमारे मध्य प्रदेश के अगर हम पूरी डिस्टेंस नापे तो लगता है कि 5000 किलोमीटर दूर हम किसी गांव में आ गए हैं, 5000 किलोमीटर हम किसी दूसरे जगह पे आ गए हैं कि जहां न तो पानी है, न बिजली है, न रोड़े हैं। ऐसे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस जौरा विधानसभा क्षेत्र के लोगों को जो लूटने का काम किया है, तो ये मैं आपको आदरणीय हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी की ओर से आपको आश्वस्त करता हूं, हमारे मंत्री जी की ओर से मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आने वाले समय में इस जौरा विधानसभा क्षेत्र के हर, चाहे बिजली की बात हो, चाहे पानी की बात हो और चाहे रोड़ों की बात हो, ये हम पूरे ताकत के साथ हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आपके इन रोड़ों को बनवाएंगे, आपको पानी देंगे और आपकी बिजली की समस्या का निदान कराएंगे, ये मैं अपनी ओर से आपको आश्वस्त करता हूँ। साथियों, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये संजय सिंह यादव आपका छोटा भाई है, आपका बेटा है और इस बेटे और इस भाई को आप आधी रात को भी फोन करना, ये आपका भाई आधी रात को भी आपको उपलब्ध मिलेगा, ये मैं अपनी ओर से आपको आश्वस्त करता हूँ। और ये भी बताना चाहता हूँ कि आज हमारे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार लाने के लिए हमने रात दिन मेहनत की और इन भारतीय जनता पार्टी के लुटेरों को जब हमने भगाने का काम किया